A very good morning to all of you. Welcome back to the channel, guys. Welcome back to the Exploration Hub. Happy Independence Day to all. I hope सब लोग बढ़िया हों, मज़े में हो और अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे हो और इंडिपेंडेंस डे को अच्छे से आप लोग मनाएंगे. तो 9:53 हो चुके हैं एंड मैं निकल चुका हूँ मेरी सिस्टर के घर जाने के लिए. एक्चुअली भांजे साहब को काफ़ी ज़्यादा मन था कि वो हमारे साथ आपके और पतंग उड़ाएं. तो मैंने भी खैर लास्ट 2-2.5 सालों से नहीं उड़ाई थी पतंगे, 2-3 सालों से. तो अभी मैंने कहा चलो ठीक है मैं आता हूँ. एंड पीछे अपना माल ताल भी रेडी है, मतलब ज़्यादा कुछ तो नहीं है, जस्ट थोड़ी सी पतंगे हैं, 10-11 पतंगे ले ली थी मैंने और थोड़ा सा सद्दी वगैरह ले लिया है, सद्दी मांझा. और कोई बेकार मांझा नहीं है, मैंने बहुत हल्का वैरायटी वाला मांझा लिया है सो दैट कोई हाथ वाथ कटने की ज़्यादा हानि ना हो. और बाकी बस चलो निकल गए हैं, कार अपनी रेडी है पूरी. पापा ने पेट्रोल वगैरह डलवा के रखा ही हुआ था तो मैंने कहा भैया यूज़ करना तो बनता है ना, देखो जब तेल है गाड़ी में तो फिर क्यों और दोबारा. तो चलते हैं सीधा दीदी के घर पे और मिलते हैं. एंड लास्ट व्लॉग आई होप आप सबको पसंद आया होगा. भाई भीग भाग के मैंने व्लॉग बनाया था आप लोगों के लिए, तो ऐसे मत छोड़ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब उसको लाइक पूरा कर देना, जो कर सको कर देना उसके साथ, ठीक है. थैंक यू गाइज एंड अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल. निकलते हैं यहाँ से. तो मैं बहादुरगढ़ में एंट्री कर चुका हूँ. मैंने पूरे रास्ते आज कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि आज क्या है कि सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है दिल्ली में एंड मुझे नहीं चाहिए था कि मैं थोड़ा सा भी लेट हूँ दीदी के घर जाने के लिए. मतलब ये है कि देखो यहाँ पर ठीक है मैं कर सकता हूँ थोड़ा बहुत, मैंने घर के पास भी वहीं पर किया, मतलब हाईवे पर नहीं किया. अब भी आप देखेंगे तो नॉर्मल एरिया है, यहाँ पर मैं मंदी मंदी कार चला रहा हूँ, 20 की स्पीड है एंड जस्ट पहुँच चुका हूँ दीदी का. वेट नहीं हो रहा कि भाई जाना है जल्दी से, बच्चों से मिलना है. ऑल दो अभी कुछ दिनों पहले ही मिले थे और अभी फिर से मिलना है, कार आ रही है अपनी. तो कोई नहीं, चलो सब ठीक ठाक, बाकी पहुंच गए हैं वही वाले जो है. तो भैया ये बच्चा रूस गया है, हम इसकी पतंगे लाए थे लेकिन इसको नहीं उड़ानी. अरे है, नहीं मैं यहीं पे बनाऊंगा व्लॉग आज. और जीजू हमारे खाना लगा रहे हैं, ये पता नहीं क्यों आजकल मना करते हैं भैया मेरे को बतलियो मेरे को बतलियो. तो पत्तल जीजू ने अरेंज करी है और ये हमने जोमेटो से अपना मंगा लिया था भटूरे वगैरह. अच्छा वैसे दिव्यांश खुश हो अब आप? यस. आपके यहाँ पे ज्यादा क्रेज नहीं है लोगों को पतंगबाजी का? लोग पतंगबाज तो हैं बट अभी आप शाम को देखेंगे. अच्छा शाम को उड़ाएंगे, सो रहे हैं अभी. तो यहाँ पे मौसम भी थोड़ा ठीक ही है, कोई ऐसा गर्मी वर्मी सी ज्यादा नहीं है और ना बारिश हो रही है, नॉर्मल मौसम है. और दिव्यांश की मौज आ रही है आज, दिव्यांश की पतंगे सेट हो गई है पूरा मांझा. और काफिया की एक बार देखिए दिव्यांश ये वाले दियो. तो मैं काफिया के लिए ये लाया था छोटी सी पतंगे क्यूट सी और एक ये चरखी छोटी सी चरखी. चलो चरखी चलेंगे थोड़ी देर में, अभी खा लेते हैं की बच्ची. बंदर. तो ये आज ठीक हुई है बेचारी, बहुत तबीयत खराब थी इसकी. ये सब्जी आ गई, छोले भटूरे और अच्छे लग रहे हैं देखने में, खुशबू भी अच्छी है. दे थम्स अप. थम्स अप यस. ओके चलो स्टार्ट करते हैं. तो भाई ये लग गया अपना खाना और ये दीदी ने बनाई है और जीजू की हेल्प से क्या ट्राई कलर सब्जी, उन्होंने बोला है इसको मिक्स वेज है बेसिकली. तो दिव्यांश पहले आप खा रहे हो, खा के बताओ जल्दी से कैसी है. ओके चलो ठीक है. ओके तो पहले खा लेते हैं फिर ब्लॉक करते हैं. हवा तो देखो चल रही है हमारी, पतंग एक एरी एक एरी एक फट चुकी. कुन्ना अपनी पतंग दिखाना आप, ये कोहोगी पतंग है. तो हवा भी अच्छी है, ठीक ठाक चल रही है बट हमसे पतंग नहीं उड़ रही है क्योंकि हम पतंगबाज नहीं है. बाकी अभी थोड़ी देर में आते हैं फिर करते हैं क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा हो गई है एंड वो हमसे बैर नहीं हो रहा. भाई बड़ी मुश्किल से हमारी पतंग उड़ी थी ये हमारा. अबे तू ये पकड़ रहे भाई मेरे को दिखा, कैमरा चल रहा है चल रहा है. तो बड़ी मुश्किल से ये बस है हमारी पतंग. भाई मेरे को दिखा भी वीडियो बन रही है. ओह माय गॉड वाओ वाओ. तो भाई बड़ी मुश्किल से हमारी पतंग उड़ी और फाइनली. भाई मेरे को दिखा दो जरा, ब्लॉग है मेरा. थोड़ी पतंग भी तो दिखानी है. सो वो रही हो माय. तो जीजू आप लोग हवा में ला, हवा में आ गई और आगे दे चल करी को आगे नहीं खींच रहा मैं ज्यादा. मामा अच्छे उड़ा रहे हो. तो भाई बहुत बढ़िया तरीके से उड़ाई हमने. मेरे को भी उड़ान दो थोड़ा सा ले, थोड़ा ऐसे कर दियो हैं ऊपर को जाएगी. तो अब दिव्यांश उड़ाएगा और ये रही अपनी पतंग, काफ़ी ऊपर पहुंचा दी है भगवान की दुआ से हमने. ये हम लाए थे
और बड़ा हल्का सा मांजा, मैंने पहले भी बताया था। तो बस अब जरा पतंग उड़ा लेते हैं पहले, फिर मिलते हैं बाद में आपसे वापस घर जाते हुए। बेटा नहीं, ये डुग्गू ने गिराते हुए बड़ी मुश्किल से मैंने एक ही हाथ से उड़ा रहा हूँ मैं तो। अब जीजू भी लग गए हैं पतंग उड़ाने के लिए, मैं चरखी पकड़ लिया। चलिए ये हमारी चरखी 100% मामा। अब दिव्यांश उड़ा रहा है, डूब जा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पतंग बहुत ऊपर है अभी फिलहाल हमारी, और सिर्फ हमारी है। है डुग्गू? हाँ, यहाँ पे ज्यादा क्रेज है नहीं लोग। हाँ, क्योंकि हमारा मंजर भी हल्का है, मैं लाया नहीं हूँ ऐसा। तो दोपहर के 2:30 बज चुके हैं, मैं यहाँ से निकल गया हूँ, बस अभी जरा एक छोटे से काम के लिए आए यहाँ पे, शेक वगैरह। हाँ बोलो बोलो बोलो। आज हमारी पूरे पार्टी, पूरे पार्टी, पूरे पार्टी। ये ना इसकी तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन अभी ठीक हुई है कुछ दिनों पहले ही, तो जरा थोड़ी सी चार्ज है लड़की हमारी। और बाकी अच्छा रहा आज का, मजा आया दिव्यांश? नहीं आया क्यों? आप जा रहे? अरे कोई बात नहीं भाई, जाना भी तो होता है घर। इसकी खुद की तो पार्टी है शाम को 4 बजे से, इसके दोस्तों के साथ, मिट्टू विट्टू दोस्त हैं इसके, उनके साथ इसकी पार्टी है। जिन जिनका आपने व्लॉग देखा था वही मेरे फ्रेंड है। मैंने व्लॉग देखा था? अच्छा इन लोगों ने? हाँ हाँ, जिनका फ्रेंड्स ने मतलब गाइस ने व्लॉग देखा था, वो जो रहा मतलब समझ गए मम्मी का व्लॉग लाए थे। तो आपने अगर देखा होगा पहले, मैं जब इनके घर पे आया था तो एक बच्चा मिला था हमें, मिट्टू नाम का, उसके लिए अर्णव। तो बस अपना शेक वगैरह पीते हैं यहाँ से, फिर वो चलते हैं। कि मेरे को ये मेरे को मिट्टू बुलाता है। मिट्टू? हाँ वही वही वही। तो चलते हैं बस यहाँ। लगता है आपको कि भाई हमारे फ्रेंड लगते हैं, जो हमारा फ्रेंड चलो नहीं लगता, बहुत बड़े बहुत बड़े। तालियां तालियां तालियां। तो चलो अब वैसे धूप धूप आ गई है, बेकार हो गया था मौसम, इसीलिए हमने कहा चलते हैं। आज मामा जा रहे हैं तो बुरा लग रहा है। इट्स ओके, सम टाइम इट्स हैपन। आई एक्चुअली डोंट नो कि किस खुशी में ये पीछे बंद किया हुआ है, सुबह भी बंद था अभी बंद है, और यहाँ पर तो ट्रैफिक लग गया आगे। और अभी तो देखा मैंने कुछ क्लिप्स में अभी प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस कि वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं भाई किस वक्त में क्या लिख रहा है क्या नहीं। और आप देख पा रहे हो तो मेरे को नींद आ रही है बहुत भयंकर वाली इस टाइम। एक्चुअली ना कल भी रात को एक प्लान था, कहीं पे पार्टी वगैरह थी तो वो प्लान था, बट कल क्या हुआ कि कल एक्चुअली डिलीवरी होने वाली थी कार की, एंड दोपहर तक हमें लगा कि हो जाएगी बट वो नहीं हुआ, वो कैंसिल हो गया। तो मेरे को सीरियसली लग रहा है अगर वो लोग ब्लॉग देखेंगे वो लोग बोलेंगे यार क्यों आगे से कोई इनवाइट भी नहीं करेगा, पता है मेरे को। तो कोई नहीं चलो, बट जो भी है फिलहाल मैं ट्रैफिक में हूँ काफ़ी, और देखते हैं क्या होता है, पहुँच जाएंगे घर जल्दी। बस तो अभी 3:30 हुए हैं, मैं निकला था वहाँ से 3 बजे के आसपास निकला था, मतलब वो शेक वगैरह पी के फिर निकला था आराम से। चलो पहुँचेंगे आराम से घर, कोई नहीं। एंड 14 की एवरेज आज आ रही है। आई डोंट नो कि अभी आपको ये बादल दिख पा रहे हैं नहीं, बट ये ऐसा लग रहा है इसमें कि पहाड़ों की तरफ जा रहा हूँ, और बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा बहुत ही सुंदर लग रहा है। और मैं ज़्यादा शूट वगैरह वैसे कर तो नहीं रहा था, बट मैंने कहा कर लेते हैं, ब्लॉग को एंड भी करना है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग टिल हियर, यहाँ तक देखा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और भगवान से दुआ करो कि नेक्स्ट व्लॉग में आपको हमारी कार की डिलीवरी ज़रूर देखने को मिल जाए। वैसे 100% चांसेस हैं कि नेक्स्ट व्लॉग जो भी होगा हमारा वो हमारी कार की डिलीवरी के साथ होगा, और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं तो आप लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि कौन सी कार मैंने ली है। तो इंस्टा पर फॉलो करो, इंस्टा पर लाइव अपडेट रहते हैं, है ना। एंड बादल ने तो मज़ा ही बांध दिया, रोड भी काफ़ी सही है, खाली खाली सी साफ रोड है।